मेरी निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस शख्सियत की यूं ही दुनिया फैन नहीं है। आज जो हुआ उससे पूरा देश वाकिफ है। ये दो तस्वीरें जो एक ही दिन की हैं, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी मां को मुखाग्नि देते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश को सौगात देते हुए। मां के जाने की मन में पीड़ा, लेकिन देश के प्रति इसको आड़े नहीं आने दिया। ये गमगीन आंखें, मन में चल रहे तमाम विचार, सभी को पीछे छोड़ देश के लिए एक बार नई छवि सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के प्रति नरेंद्र मोदी का प्यार तो हमने देखा है, और मां के प्रति भी उनका प्यार किसी से छिपा नहीं है। मां के निधन से पीएम मोदी शोक में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके निर्धारित कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मां को अग्नि देने के बाद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़े। इन कार्यक्रमों में कनेक्टिविटी से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की भी शुरुआत की। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। वैसे तो मोदी जहां भी आते हैं छा ही जाते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही सामने आया जिसने हमें बताया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के प्रति कर्तव्यों के सामने अपने व्यक्तिगत संबंधों को आड़े नहीं आने देते। ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं कि जहां एक घर का बेटा देश संभाल रहा है, वहीं घर में रहने वाले लोग आम जीवन जी रहे हैं। उनकी मां जब भी तस्वीरों में कैद हुई, उनका एक सादा रूप ही सामने आया जिसने देश के तमाम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मां के निधन के बाद भी मां के लाल ने देश के प्रति कर्तव्यों को पीछे नहीं छोड़ा।